हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवली और मेरी किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ अचारी भिंडी। अचारी भिंडी दो तरीके से बनाई जाती है, जो है एक सूखी और एक ग्रेवी वाली। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी ग्रेवी वाली अचारी भिंडी कैसे बनाते हैं। बिल्कुल ईजी तरीके से बनाएंगे और खाने में बहुत ही बढ़िया होगी। चलिए फिर झटपट रेसिपी शुरू करते हैं। अचारी भिंडी बनाने के लिए मैंने ली है 200 ग्राम भिंडी और भिंडी को अच्छे से धोकर पानी झड़ाकर काट ली है। देखिए इस साइज़ में करके काटी है। आप चाहे तो अक्खी अक्खी भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा काटने से क्या होता है कि अंदर कीड़े हैं कि नहीं वो समझ आ जाता है। और 3-4 हरी मिर्च भी ली है लंबाई में काट कर। और यहाँ पर लिया है मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक काट कर। पतली पतली स्लाइस करके भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, ये भी लिए हैं बारीक बारीक चॉप करके। और 1 टेबलस्पून लिया है मैंने कूट कर लहसुन। लहसुन ही लिया है मैंने और कूट कर लिया है। आप चाहे तो पेस्ट भी ले सकते हैं और लहसुन के साथ साथ अदरक भी ले सकते हैं। मैंने अदरक को स्किप किया है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ साथ मैंने लिया है दही 1/2 कप जितना। इस रेसिपी के लिए दही बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो आराम से इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और दही लेंगे तो आपको आमचूर पाउडर या नींबू का रस डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ हरा धनिया भी काट कर लेना है, लेकिन वो मैं बाद में काटूंगी। और थोड़ी सी लाल मिर्ची ली है और बाकी सारा सामान जो है किचन में अवेलेबल है वो मैं बाद में दिखाती हूँ आपको। तो सबसे खास है कि अचार का मसाला बनाना है, यही सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। तो अचार का मसाला बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून जीरे, अक्खी जीरे, 1 टीस्पून काली सरसों, 1 टेबलस्पून धनिया, खड़ा धनिया। और यहाँ पर ले रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून सौंफ और 1/4 टीस्पून ले रही हूँ मैं मेथी दाने। और इसके साथ साथ आपके पास हो तो कलौंजी भी डाल दीजिए। कलौंजी और ऑनियन सीड्स एक नहीं है गाइस, प्याज के बीज को ऑनियन सीड्स और कलौंजी को नाइजेला सीड्स बोलते हैं। जो भी हो, अभी चलिए एरोमेटिक हो चुके हैं मसाले, अभी मैं निकाल के ले रही हूँ। और अभी इसी पैन में हम बाकी के प्रोसेस करेंगे। मसालों को अच्छे से ठंडा कर लेना है और उसके बाद मिक्सर में पीस कर एक पाउडर बना लेना है। तो जब तक मसाला ठंडा हो रहा है तब तक हम भिंडी फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा तेल डाला है मैंने कढ़ाई में और अभी मैं डाल रही हूँ भिंडी। भिंडी को लगभग आधा पका लेना है, मतलब कि ऊपर से हल्का हल्का स्पॉट्स आ जाए, ब्राउन ब्राउन काले काले, और लगभग 50% तक पक जाए, इतना तक भून लेंगे। अभी नमक नहीं डालना है दोस्तों। और भिंडी देखिए अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अभी भिंडी निकाल के ले रही हूँ मैं एक प्लेट में और इसी कढ़ाई में हम करेंगे ग्रेवी की प्रोसेसिंग। तो चलिए कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। ग्रेवी में आप ज़्यादा कम जितना भी तेल चाहे डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेल अच्छे से गर्म होने देंगे और उसके बाद डालेंगे इसमें थोड़ा सा जीरा, 1/4 टीस्पून, बिल्कुल थोड़ा सा ही है। थोड़ा सा सरसों भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है। एक चुटकी हींग डाली है और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च डाली है। 2-3 तेज पत्ते डाल देंगे और सब कुछ अच्छे से भून लेंगे। तो सब कुछ भून चुके हैं, अभी हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज। प्याज डालने के बाद प्याज का कलर हल्का सा ब्राउन होने देंगे, तब तक भून लेंगे। और उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर लहसुन का कूट, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो अभी मैं डाल रही हूँ ये लहसुन का कूट। लहसुन डालने के बाद थोड़ी देर के लिए चला लेंगे, 1-1.5 मिनट के लिए, ताकि लहसुन का जो कच्चा फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हम डाल देंगे टमाटर। तो चलिए अभी मैं टमाटर डाल देती हूँ। टमाटर डालने के बाद हमें नमक मसाले भी डालने हैं, तो हल्का सा चला लेती हूँ। और अभी मैं डालती हूँ नमक स्वाद के हिसाब से। भिंडी के साथ मैंने नमक नहीं डाला था, तो उसी हिसाब से पूरा नमक यहीं पर डालना है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है मैंने, स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और 1 टीस्पून डालेंगे हम यहाँ पर धनिया पाउडर। यह चम्मच बहुत ही छोटी है, इसीलिए बार बार करके डालना पड़ता है। और ये मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून गरम मसाला। धनिया मैंने अचार का मसाला बनाते हुए भी डाला है, मतलब फ्राई करने के लिए। और यहाँ पर कच्चा धनिया का पाउडर भी डाला है, इससे स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। और दोस्तों ये है हमारा अचार का मसाला, जो कि हमने पीस कर लिया है, जो भुने हुए मसालों को पीस लिया है मैंने। लेकिन ये मसाला अभी नहीं डालना है, ये मसाला डालेंगे हम बाद में। अभी हम ढक्कन लगाकर थोड़ी देर के लिए पका लेंगे बिल्कुल लो हीट में, जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, थोड़ा सा मैश कर देंगे। और अभी हम डालेंगे दही, दही डाल के थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। तो दही डालने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के उसके अंदर अगर दही डालेंगे ना, तो आपका दही कभी भी फटेगा नहीं। ये बहुत ही स्पेशल ट्रिक है, जिससे कि आपको हीट कम करने की या हीट बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही दही को डाल सकते हैं मसालों के अंदर, सिर्फ थोड़ा सा पानी डाल दीजिए पहले। तो
तो मैंने भी वैसा ही किया, दही डाल दिया है। अभी अच्छे से मिलाकर थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएंगे। हीट को अभी मीडियम या तो मीडियम टू लो पर कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में ढक्कन हटाकर चला देंगे और चेक करते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, लगभग 3-4 मिनट हो चुके हैं और अभी देखिए तेल ऊपर आ चुका है, लेकिन दही का पानी अभी तक सूखा नहीं है। पूरा सूखा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी डाल रही हूँ, ये हरी मिर्च भी डाल रही हूँ और ये भिंडी भी डाल रही हूँ, और इसके साथ साथ मैं डाल रही हूँ अचार का मसाला, ये जो पीसा हुआ मसाला है। अच्छे से मिलाएंगे अभी। अभी एक बात है जो कि आपको अगर अचारी भिंडी सूखी चाहिए तो पानी मत डालें, ऐसे ही लो हीट करके ढक ढक कर पकाएं। वैसे तो भिंडी आधी पक चुकी है और बाकी आधा पकना बाकी है, तो उतना सा ऐसे ही आप ढक ढक कर पका सकते हैं, पानी डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं थोड़ी सी ग्रेवी रखने वाली हूँ, इसीलिए थोड़ा सा पानी डालूँगी और ढक ढक कर पकाऊँगी। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, और ग्रेवी रखनी भी है तो अभी बहुत पतली नहीं रखनी है, अचारी भिंडी ज़्यादा पतली अच्छी नहीं लगेगी। तो थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है और अभी मैं ढक दूँगी मीडियम हीट करके, लगभग 5-6 मिनट लगेगा। अभी ज़्यादा टाइम की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि भिंडी आधी पकी हुई है। तो 5-6 मिनट बाद यह है हमारी सब्जी। आप देख सकते हैं ग्रेवी कंसिस्टेंसी बहुत ही बढ़िया है और भिंडी भी बहुत अच्छे से पक चुकी है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गार्निश करेंगे। गार्निशिंग के लिए मैंने लिया है थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया, बारीक बारीक चॉप करके। तो हरा धनिया डाल देंगे और उसके बाद लगभग 1-1.5 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि धनिया की जो खुशबू है वो अच्छे से फैल जाए। और इस रेसिपी में आपको खटास डालने के लिए कोई आमचूर पाउडर या नींबू का रस डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने टमाटर भी डाले हैं और दही भी डाला है, और इन दोनों से सब्ज़ी काफ़ी खट्टी हो जाती है। लेकिन अगर आपने दही को स्किप किया है तो आधा टीस्पून आमचूर पाउडर या तो 2 बूंद नींबू का रस डाल सकते हैं। तो हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। मैंने हीट बंद कर दिया है और गर्मा गर्म सब्जी को मैं सर्व कर रही हूँ। इस सब्जी को आप चाहे तो रोटी चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं या तो चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। यह बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और ट्राई की तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। बिल्कुल ना भूले कमेंट करना। मेरे कहने पर एक बार मेरी तरीके से ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिए दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगी और सब लोग आपकी तारीफ करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करें दोस्तों, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए यहाँ तक ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए सेफ रहें, स्वस्थ रहें और खाते रहें। बाय बाय।